आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के पद्मधर पार्क, घंटाघर, ऋतुराज पार्क, स्टैचू चौराहा में सौंदर्यीकरण के कार्य को लेकर आज महापौर अजय मिश्रा बाबा, नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी सहित निर्माण सहित के अध्यक्ष पार्षद धनेन्द्र सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा की गई। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि स्टैचू चौराहे में लगी मूर्ति हमारी पुरातत्व धरोहर है, इसे संवारने का काम हमारा है, इसलिए यहां पर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा, साथ ही रंगीन लाइटों से भी सुसज्जित किया जाएगा। इसके साथ ही पद्मधर पार्क और घंटाघर को भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। घंटाघर में लगी घड़ी को भी चालू कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऋतुराज पार्क में बास्केटबॉल और कबड्डी के ग्राउंड निर्मित होने हैं, साथ ही वहां बनी बिल्डिंग का जीर्णोद्धार होना है, जिसके लिए निरीक्षण किया गया है और जल्द ही इनका टेंडर कराकर इन्हें सौंदर्यीकरण प्रदान किया जाएगा, जिससे रीवा शहर में आने वाले पर्यटक और रीवा के लोगों को घूमने के लिए एक साफ, सुंदर और सुसज्जित स्थान मिल सके। अभी आपने निरीक्षण किया है ऋतुराज पार्क और स्टैचू जा रहा है, क्या इसमें? देखिए, ऋतुराज पार्क का भी हम लोग सौंदर्यीकरण का टेंडर करवा रहे हैं, उसमें बास्केटबॉल और कबड्डी का ग्राउंड बनना है। जो बिल्डिंग है उसको रिनोवेट करके उसको नए ढंग से उस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार करना है। और जो ये महाराजा वेंकट रमन सिंह का स्टैचू है, ये हमारे रीवा की एक धरोहर है, ये पुरातत्व धरोहर है। आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये रीवा रियासत के कौन कौन राजा थे। ये यहाँ वेंकट रमन सिंह महाराज की स्टैचू बनी है, किला में महाराजा गुलाब सिंह जी की बनी है और एक महाराजा मार्तंड सिंह की हम लोग लगवा रहे हैं। तो ये हमारे रीवा की धरोहर हैं और धरोहर का सहेजने का काम हम आने वाली पीढ़ी को करना चाहिए। तो हम लोग वो पीढ़ी हैं जो इसको सहेज रहे हैं और इस धरोहर को सुरक्षित कर रहे हैं, इसका सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। ये जो यहाँ पर पानी भर जाता है, इसके फर्श की हाइट उठाई जाएगी, ये जाली हटाई जाएगी यहाँ से, इसमें सुंदर जाली लगाई जाएगी, ब्यूटिफिकेशन होगा, लाइट बनेगी, बाउंड्री वॉल थोड़ा सा अंतर करना है और मूर्ति की साफ सफाई कराना है। जो सामने पेड़ आ गए हैं जिसके कारण ये मूर्ति दिख नहीं रही है उसको हटवाना है, इस तरह करके ये और उसके पीछे का फाउंटेन, दोनों चीज़ जब हो जाएगा तो पीछे का फाउंटेन चलेगा और सामने जब मूर्ति और इसकी गार्डन की दोनों की सेम लाइटें हो जाएंगी तो जो भी पर्यटक आएंगे रीवा में वो इसको देखेंगे। ऐसे पद्म पार्क का रिनोवेशन हो रहा है तो जो हर गैलरी की पद्मा है उसको भी हम लोग सौंदर्यीकरण में ले रहे हैं, वहाँ भी लाइट वाइट लग जाएगी। तो ये एक घूमने का जो रीवा का घंटाघर है, इसके सौंदर्यीकरण के बाद अगला चरण हमारा घंटाघर का सौंदर्यीकरण होगा, उसकी घड़ी होगी। ये सारा प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं। रीवा सुंदर लगना चाहिए, रीवा स्वच्छ होना चाहिए और रीवा के लोग स्वस्थ होना चाहिए, ये परिकल्पना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं।